Friends, in this video, we shall learn about non-cooking processes. What is it? Some processes followed before and after cooking is actually done. खाना चूल्हे पर चढ़ने से पहले जो हम तैयारी करते हैं और चूल्हे से उतरने के बाद जो हम करते हैं उसे हम non-cooking processes कहते हैं. And different types of taste, और हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट भी सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा. तो चलिए सीखते हैं. पहला है ग्रेट. ग्रेट यानी कि कद्दूकस करना. रिड्यूस फूड टू स्मॉल श्रेड्स बाय रबिंग इट ऑन ए ग्रेट. कद्दूकस पर रगड़कर बारीक बारीक टुकड़े करना. टू ग्रेट ए कैरेट, रेडिश, हम गाजर, मूली, इनको ग्रेट करते हैं. दूसरा है स्लाइस, बारीक बारीक पीस करने. ए थिन फ्लैट पीस कट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज के बारीक बारीक पीस करने. क्यूकुम्बर, रेडिश, जैसे हम ककड़ी, मूली के करते हैं. सीव. सीव हम छन्नी को भी कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट विथ ए मेश्ड और परफोरेटेड बॉटम. एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जालीदार होता है या छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें. यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कोर्स फ्रॉम फाइन पार्ट ऑफ लूज मैटर. दो चीजों को अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं. शिफ्ट फ्लोर, जैसे आटा हम छानते हैं या हम गेहूं चावल छानते हैं, तो यहां पे हम सीव का इस्तेमाल करते हैं. अगला है स्ट्रेन. स्ट्रेन में हम सॉलिड और लिक्विड अलग करते हैं. सीव में हमने दो सॉलिड चीजें अलग की थी, स्ट्रेन में सॉलिड और लिक्विड अलग किया जाता है. टू पोर, उड़ेलना. थ्रू ए फिल्टर सीव टू होल्ड बैक द डेंसर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि हम सीव में से उसे उड़ेलते हैं और सॉलिड चीज को पीछे रह जाती है और लिक्विड चीज कंटेनर में चली जाती है. इसे कहते हैं स्ट्रेन, जैसे हम चाय छानते हैं, स्ट्रेन टी. अगला है स्टिर, किसी वस्तु द्वारा हिलाना. टू मूव वंस हैंड और एन इंप्लीमेंट कंटिन्यूअसली और रिपीटेडली थ्रू इन ऑर्डर टू कूल, मिक्स, डिजोल्व एटसेट्रा एनी और ऑल द कंपोनेंट पार्ट्स. दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को जब हमें मिलाना होता है तो हम स्टिर कहते हैं. जैसे हम चम्मच से चाय और शक्कर मिलाते हैं, जैसे शरबत मिलाते हैं हम पानी में, या कोई चीज ठंडी करनी हो जैसे वाइन के ग्लास में हम बर्फ डालते हैं और फिर हिलाते हैं उसे ठंडा करने के लिए, इस प्रकार को हम स्टिर कहते हैं. चाय में शक्कर मिलाना. फिर आता है पोर. पोर यानी कि उड़ेलना. टू सेंड लिक्विड, फ्लूइड और एनीथिंग इन लूज पार्टिकल फ्लोइंग और फॉलिंग एज फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने को पोर कहते हैं. और इनटू ओवर और समथिंग एल्स, कहीं पे भी हम जमीन पे भी उड़ेल सकते हैं कोई चीज, उसको भी पोर ही कहा जाएगा. जैसे टी, कॉफी हम केटली से कप में उड़ेलते हैं या बियर हम
बोतल से ग्लास में उड़ेलते हैं। अगला है स्क्रैम्बल, फेंटना, टू कुक इन ए पैन वाइल स्टिरिंग, यूजुअली आफ्टर मिक्सिंग व्हाइट्स एंड योक टुगेदर। जब हम अंडे को सफेद और पीले भाग को फेंटते हैं, सिर्फ अंडा ही नहीं, हम इडली डोसा भी फेंटते हैं, हम केक का आटा भी फेंटते हैं, तो जिस चीज को भी फेंटा जाता है उसे स्क्रैम्बल कहा जाता है। फिर है स्प्रेड, स्प्रेड यानी कि फैलाना, टू अप्लाई सम सेमी सॉलिड ओवर द सॉलिड सरफेस, किसी सेमी सॉलिड विस्कस जैसी चीज को सॉलिड सरफेस पे लगाते हैं, उससे हम कहते हैं स्प्रेड या अप्लाई। बटर ओवर ब्रेड, जैसे हम जैम बटर ब्रेड पे लगाते हैं, उससे हम स्प्रेड कहते हैं। अगला है पिंच, ये कोई क्रिया नहीं है, एक चुटकी को हम पिंच कहते हैं, एक चुटकी नमक, एक चुटकी हल्दी, इसे हम पिंच कहते हैं। द क्वांटिटी दैट होल्ड्स बिटवीन फिंगर एंड थंब, जो उंगली और अंगूठे के बीच में आ जाता है उसे हम पिंच कहते हैं, यानी कि चुटकी कहते हैं। ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ए पिंच ऑफ टर्मरिक, नमक एक चुटकी नमक, एक चुटकी हल्दी। अगला है लेयर, एक के ऊपर एक, टू कीप थिंग्स वन ओवर अदर, जैसे हम सैंडविच में स्लाइस ऑफ ब्रेड एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर ककड़ी प्याज और बहुत सारी चीजें चुकंदर, ये सब एक के ऊपर एक रखी जाती है सैंडविच बनाते समय, तो उसको लेयर कहा जाता है, परत। फिर आता है गार्निश, गार्निश सजाने की क्रिया होती है, जब खाना परोसा जाता है उसके ऊपर थोड़ी सी धनिया लाल मिर्च का पाउडर इस तरीके की चीजें डाल के, कुछ पत्ते ब्रोकली पाउडर पीस ऐसे कुछ डाल के हम उसे सजाते हैं, उसे हम गार्निश कहते हैं। टू प्रोवाइड और सप्लाई विथ सम ऑर्नामेंटल एडोन डेकोरेट, यानी कि उसे सजाना, उसे सुंदर बनाना। गार्निश विथ कोरिएंडर और चिल्ली पाउडर, हम धनिया या मिर्ची पाउडर से गार्निश करते हैं। अगला है सर्व, यानी कि परोसना, ये अंतिम क्रिया है खाने से पहले। टू ऑफर और डिस्ट्रीब्यूट ए पोर्शन और पोर्शंस ऑफ फूड और ए बेवरेज, यानी कि किसी को ऑफर करना या बांटना, जिसे हम सर्व कहते हैं। सर्व फूड और ड्रिंक्स, कभी हम ड्रिंक्स सर्व करते हैं, कभी फूड सर्व करते हैं, यानी कि परोसते हैं। सर्व यानी कि परोसना। अब जो हमारी क्रिया है वो है टेस्ट। सर्व के बाद में हम टेस्ट करते हैं, जब खाना खाने लगते हैं तो उसे हम टेस्ट करते हैं, स्वाद लेना। टू ट्राई और टेस्ट द फ्लेवर और क्वालिटी ऑफ समथिंग बाय टेकिंग समथिंग इनटू द माउथ, यानी कि मुंह में डालने के बाद में हम उसका स्वाद लेते हैं। तो कितने प्रकार के स्वाद होते हैं? टू टेस्ट फूड, लेट अस लर्न इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। चलो अब हम थोड़ा संक्षेप में अलग अलग टेस्ट देखेंगे। बिटर, बिटर यानी कि कड़वा, जैसे बिटर गार्ड, करेला, नीम, ये सब कड़वा स्वाद होता है, इसे हम बिटर कहते हैं। फिर है पंजन, तीखा, जैसे
chilli, pepper, mirchi, kali mirchi, इसे हम पंजन स्वाद कहते हैं। फिर आता है सार या सावर, खट्टा, लेमन, टेमरिन, नींबू, इमली, इनका स्वाद जो है सावर होता है। पिक्विंट, चटपटा, पानीपुरी, भेलपुरी, ये चटपटा स्वाद है। पिक्वेंट। फिर आता है सॉल्टी, नमकीन, चिप्स, मिक्स नट्स, ये नमकीन होते हैं। फिर है स्पाइसी, मसालेदार, मांचाओ सूप, चाइनीज भेल, ये सब मसालेदार होते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वेर सम ऑफ द प्रोसेसेस बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग एंड द डिफरेंट टेस्ट्स। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज। Friends, if you like my video, subscribe for it, share it with your friends, and don't forget to like it and comment on it. For more details, visit my YouTube channel Ekta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.